गांधी जी के देख ले रही हमारे सामने, गांधी जी का बाबू जी का मोतीलाल के देख अनहार हो गई लोन जमुना समय में रोहन लड़ी थी वही घड़ी से लगलन पड़ी की जय 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 बजरंग बली चाचा चौथ बा गोली गोली। लोक कलाकार रामचंद्र मांझी को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। आरा स्थानीय पटेल बस पड़ाव स्थित भिखारी ठाकुर सांस्कृतिक मंच पर रविवार को भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित कर हाल ही दिवंगत हुए भिखारी ठाकुर के शिष्यों में से एक लोक कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत भोजपुरी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि रामचंद्र मांझी के रूप में भोजपुरी भाषा को सम्मान मिला है। उनसे प्रेरित होकर भोजपुरी के लिए जारी आंदोलन ऊंचाई पर पहुंचेगा। वहीं जन अधिकारी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति यादव ने कहा कि भोजपुरी कला और संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल भोजपुरी गायक और सिने कलाकार हरिओम ने भिखारी ठाकुर के एक गीत को गाकर स्वर्गीय मांझी को श्रद्धांजलि दी। मन संचालन भिखारी ठाकुर सामाजिक शोध संस्थान के अध्यक्ष पत्रकार नरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर मौजूद कलाकारों, कला प्रेमियों और साहित्यकारों में रतन यादव, अरुण प्रसाद, कृष्ण यादव, कृष्णेंदु, शमशाद प्रेम, रामदेव प्रसाद, अमरेश कुमार सिंह, संतोष ठाकुर, दिलीप कुमार, राजकुमार, राजीव यादव, विनोद सिंह लोग उपस्थित थे। मांझी जी के रूप में भोजपुरी के उस सम्मान हासिल भइल जौन ओकरा पहले दूसरा केहू के माध्यम से हासिल ना भइल रहे। ये पद्म पुरस्कार भारत के जनता के द्वारा देल गेल सम्मान होखेला। चंद्र मांझी जी हमनी के बीच में नहीं थी, वहाँ के श्रद्धांजलि सभा पुष्प अर्पित करे खातिर हमनी के यह सब आदमी इकट्ठा भइल बनी जा। आप जे भी एहिजा जुटल बा, कला के प्रति जेकरा रुझान बा, लगाव बा, सांस्कृतिक से लगाव बा, ए भिखारी ठाकुर सोत गंगा जी के भराली अरारिया नगरिया दाहत बाटे हो ए गंगा मैया पनिया में जनिया रोवा।